अस्सलाम वालेकुम। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो इसलिए आज हम बनाएंगे शरबत, वो भी खट्टा मीठा सा। ये शरबत हम बनाएंगे दो चीज़ों से, तो इमली और खुबानी लेंगे यानी जर्दे आलू। तो इमली मैंने ली है यहाँ पर 1/4 कप, इसको पानी में सोख करके मैंने रख दिया था। और हम उतना ही लेंगे जर्दे आलू, ड्राई एप्रिकोट्स, इसे भी पानी में सोख करके रखना है। दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, इमली थोड़ी कम कर सकते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे 600 से 700 ml जितना पानी। इन दोनों चीज़ों को अब हम पका लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, या फिर तब तक जब तक कि हमारी खुबानी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैंने इसे पका लिया है, इसका देखिए कलर भी चेंज हो चुका है और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब इसे हम छान लेंगे। और बिल्कुल अच्छी तरह से इसका हम पल्प निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका अच्छे से हम पल्प निकाल लेंगे। जितना इसमें पल्प था मैंने सब निकाल लिया है, ये इस तरह से। तो इसे हम साइड पे कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून जितनी शक्कर डालनी है हमें, और 1/4 टीस्पून जितना काला नमक डालेंगे और उतना ही ज़ीरा पाउडर। और इसे मिक्स कर लेंगे हम। एक ग्लास लेंगे और स्ट्रेनर की मदद से इसे हम छान लेंगे और बर्फ़ डालकर इसे हम ठंडा सर्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो ट्राई कीजिए इसे, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। जज़ाकअल्लाह खैर।